हे दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने कभी ना कभी ये फील जरूर किया होगा कि समय निकला जा रहा है और आप जो काम कर रहे हैं उसे एक निश्चित समय में नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो समय आपने निश्चित किया है किसी काम को करने के लिए, वो समय कम पड़ रहा है और आपको लगता है कि समय को पंख लग गए हैं, कितनी स्पीड से निकला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, आप परीक्षा कक्ष में बैठे हैं और आधे से ज़्यादा पेपर बचा हुआ है और अचानक आपकी नज़र घड़ी पर जाती है और आप चौंक जाते हैं कि बस कुछ ही मिनट्स बाकी रह गए हैं। या फिर इसका एकदम उल्टा, कई बार आपको लगता है कि घड़ी की सुई को क्या हो गया यार, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। आपको लगता है कि समय जैसे ठहर गया है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, एक घंटे में तो 60 मिनट्स ही होते हैं और ये 60 मिनट्स दोनों सिचुएशन में अपनी ही गति से बीत रहे होते हैं। तो फिर क्या कारण है कि हमें अलग अलग फीलिंग्स आती है? इसका मतलब है कि कुछ तो समय के बारे में ऐसा है जिसे हमें जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, हो सकता है कि आपने कभी ना कभी टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस ली होंगी, या फिर शायद आपको फील होता होगा कि आपको भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। आप डायरी या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जैसे मोबाइल कंप्यूटर यूज करते होंगे अपने शेड्यूल बनाने में, अपने कैलेंडर सेट करने में, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बात नहीं बन रही है। और ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो भी कुछ सीखा है ना, ये सब समय की बर्बादी है। दोस्तों, इससे पहले कि आप टाइम को मैनेज करने के चक्कर में लग जाएं, आपको ये जानना होगा कि ये टाइम आखिर बला क्या है। टाइम आखिर है क्या? अगर हम डिक्शनरी में लिखी परिभाषा देखें तो टाइम इज द पॉइंट और पीरियड एट विच थिंग्स अकर। लेकिन वास्तव में सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों। दरअसल समय दो तरह का होता है, एक घड़ी का समय होता है और दूसरा वास्तविक समय होता है, यानी कि रियल टाइम। और ये जो घड़ी का समय होता है ना, इसमें एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट, दिन में 24 घंटे और साल में 365 दिन होते हैं। और हर समय हर मिनट समान रूप से गुजरती है। जब कोई 50 वर्ष का हो जाता है तो वो बिल्कुल 50 वर्ष का ही होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। लेकिन रियल टाइम के बारे में ऐसा नहीं है, इसमें हर मिनट हर समय रिलेटिव होता है। आप जो कर रहे हैं उसके आधार पर समय उड़ता है या घिसटता है। आपको क्या लगता है कि आप कौन से समय में रहते हैं, घड़ी के टाइम में रहते हैं या रियल टाइम में रहते हैं? और यही कारण है कि ये टाइम मैनेजमेंट गैजेट्स और सिस्टम काम नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि इनको घड़ी के समय को मैनेज करने के लिए बनाया गया है और हम रहते वास्तविक समय में हैं। लेकिन दोस्तों, एक अच्छी खबर यह है कि ये जो रियल टाइम है ना, ये दरअसल मानसिक है, जो सिर्फ आपके कानों के बीच में रहता है और इसे आप खुद बनाते हो। और जो चीज आप खुद बनाते हो, निश्चित तौर पर आप उसको मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, हम अपना टाइम केवल तीन तरीकों से बिताते हैं। पहला, जब हम विचार कर रहे होते हैं, दूसरा, जब हम बातचीत कर रहे होते हैं, और तीसरा, जब हम कार्य कर रहे होते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में आप कौन सा काम कर रहे हैं, लेकिन आप समय बिताते इन्हीं तीन तरीकों से हैं। तो अब आपको खुद ये तय करना है कि आपका समय इनमें से कौन से तरीके से ज्यादा व्यतीत हो रहा है। आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो इन तीन तरीकों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको काम करने से या आपका पूरा फोकस करने से भटका रहा है। जब आप उस पॉइंट को पकड़ लेंगे तो आप उससे पड़ रहे व्यवधान को भी हटा पाएंगे। दोस्तों, आपकी सफलता या असफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि आप अपना ज्यादा समय क्या करने में बिताते हैं, विचार करने में, बातचीत करने में या एक्शन लेने में। और अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग से ऐसे थॉट्स हटाने का काम शुरू कर दीजिए जो व्यवधान डालते हैं आपके काम में, क्योंकि ये सिर्फ मानसिक होते हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या फिर ये सही टाइम नहीं है काम शुरू करने का। तो टाइम को मैनेज करना बंद कीजिए और अपनी लाइफ को मैनेज कीजिए। अपने कार्यों को प्रायोरिटाइज करने के बजाय अपनी प्रायोरिटी को क्लैरिफाई कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय अपनी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए, इस पर काम कीजिए।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कोई थॉट्स हैं, आपके कोई विचार हैं इस वीडियो के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अगर आपने फिट फॉर इट चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।